गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हेयर थोड़ा सा ज़रा टाइम ज़्यादा लगा आज जो यहाँ फंक्शन थी इट वाज़ अबाउट फेसिलिटेशन जो अभी हमारे कैंडिडेट्स इस डीडीसी इलेक्शन में उठे थे जम्मू खिते में 91 कैंडिडेट्स उठे थे इसके बिना जो पार्टी चुनाव निशान पर लड़े और बाकी इंडिपेंडेंस सपोर्ट जिनको हमने सपोर्ट किया था क्योंकि हमारी पार्टी जैसा आप सब जानते हैं नौ महीने पहले ही गठन हुआ था और कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं हुआ था बहरहाल फिर भी चूँकि डेमोक्रेसी इलेक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और ये जो पंचायत के इलेक्शन से ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी से ताल्लुक़ रखता था हमारी पार्टी ने ये जरूरी समझा कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए और हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने एक नई पार्टी को साढ़े पाँच परसेंट ओवरऑल वोट दिया जो हमारे लिए काफ़ी इनक्रेजिंग है और हमने एक उस स्लोगन के साथ हम लोग की पार्टी जा रही है इसमें कोई इमोशनल नारा नहीं हम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ बहत्तर साल में खाली इमोशनल नारे दिए गए हैं चाहे उस खत्ते में हो या इस खत्ते में हो हमारी पार्टी तो बिल्कुल वो सियासत करती है जिसे कहते हैं अचीवेबल मुद्दों को उठाती है और सच की सियासत जिसे कहते हैं और मुझे आप सब के साथ शेयर करने में ये बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वी कुड द प्रेशर्स ऑफ ऑल दैट इमोशनल पॉलिटिक्स विच बीन एन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 72 इयर्स हम एक नई रिवायत के साथ निकल पड़े हैं एक नए सोच के साथ निकल पड़े हैं और जिस तरह लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं मुझे उम्मीद है कि टुमारो बिलोंग टू तो अपनी पार्टी जो लोग आज आपने हमारे साथ देखे ये कल के नए लीडर हैं क्योंकि इनमें से कोई ट्रेडिशनल सियासतदान नहीं था 90% परसेंट ऑफ देम वेर न्यू कमर्स जिसे कहते हैं ना नई सियासत और वो नई सियासत क्या है वो ये है कि आप वो मुद्दे उठाओ जो डेवलपमेंट के हैं जो लोगों के भलाई के हैं जिसमें कोई डिवीजन ऑफ सोसाइटी नहीं है जिसमें डिवीजन ऑफ कम्युनिटीज नहीं है जिसमें डिवीजन ऑफ नहीं है क्यों आज जम्मू और कश्मीर के मुद्दे सांझे हैं अगर हम स्टेट हुड की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स के लोग चाहते हैं अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स और लैंड की बात करते हैं तो वो दोनों रीजन्स की मुतालबात हैं अगर हम डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स की है दोनों रीजन्स में फगदान है इन चीज़ों का अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स की बात करते हैं ये नहीं है कि साहब कुछ जम्मू में बहुत कुछ हुआ है कि यहाँ दूध की नहरें बह रही है और शायद कश्मीर में बिल्कुल कुछ नहीं तो दोनों जगह अगर डेवलपमेंट नहीं है तो दोनों जगह नहीं हो रही है तो इन्हीं सब बातों पे हम आज यहाँ जो आपस में विचार कर रहे थे हम आपके साथ भी और आपके माध्यम से भी हिंदुस्तान के वज़ी अजम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं उस वादे का जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस से हमारे साथ किया हुआ है इस रियासत की पहचान वापस देने को हमारी स्टेट हुड जो वादा उन्होंने हमारे साथ किया है जब हम लोग अपनी पार्टी के गठन के बाद गए विच इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड थिंग अ पार्टी फॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर गोज एंड कॉल ऑ ऑन द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री विच इज़ अदरवाइज एन एंथिमा इन जम्मू एंड कश्मीर दिस यूज टू बी एन एंथमा हमने रिवायत को तोड़ दिया हमने कहा नहीं हमारा मसला है हमारा हमें खो गया है जिस, जिसका खो गया है वह ढूंढता है हमारी पहचान खो गई है हम इसलिए दिल्ली गए हमारे डिट्रैक्टर्स ने हमें मुख्तलिफ नामों से इस वजह से बुलाया लेकिन हम गए क्यों हम सा हमारा खो गया आप में से किसी की चीज़ खोएगी तो आप ढूंढेंगे ना कि किसी और को कहेंगे कि ढूंढने जाओ और उसके पास ही जाएंगे ना जो दे सकता है उस चीज़ को इसलिए हम हिंदुस्तान के वजीर अजम के पास गए तो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के पास गए कि साहब हमारी पहचान वापस दीजिए हमारी रियासत को वापस करिए हमारे बच्चों की जॉब्स का प्रोटेक्शन करिए हमारे लैंड का प्रोटेक्शन करिए हमारे कल्चर का प्रोटेक्शन करिए हमने बात उठाई डेमोग्राफी की हमारी डेमोग्राफी के लोगों के दिलों में शुबात थे वजीर अजम ने हमें अश्योरेंस दे दी हमने बात बहुत सत्रह पॉइंट्स पे की तो लेकिन जो कोर एजेंडा है कोर एजेंडा तो स्टेट हुड की है अब जब वापस वी टेक द क्रेडिट अपनी पार्टी टेक्स द क्रेडिट फॉर दिस दैट हमने सियासत वापस शुरू की यहाँ डेमोक्रेसी की रूह होती है पॉलिटिक्स जिस पॉलिटिक्स को पाँच अगस्त दो को खैराबाद कहा गया था जिसने भी किया था हम नहीं कहते हैं क्या हुआ था लेकिन हम लोग सामने आए हमने कहा नहीं वापस वी हैव टू गो अहेड वो कोई फैसला हमारे लिए कोई खुशी का फैसला नहीं था पाँच अगस्त दो हज़ार उन्नीस वाला हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला आएगा जो दिलों की धड़कन यहाँ चाहती है लेकिन फिर भी हमने कहा आगे तो चलना है ना हम इंतज़ार में हैं आज़म साहब कि वो दिन कब आएगा चाहे आप हमारी रिया, रियासत को अपनी दर्जा वापस दे देंगे